फाइनली टाटा सफारी के अंदर भी डार्क एडिशन आ गया है, जैसे टाटा मोटर्स की मैक्सिमम सभी कार्स के अंदर आपको डार्क एडिशन देखने को मिलता है, जैसे अल्ट्रोज के अंदर भी डार्क एडिशन मिलता है, नेक्सोन के अंदर भी, हैरियर के अंदर भी, और इन सभी वेरिएंट्स पे हमने वीडियो किया हुआ है, वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि ये जो ब्लैक कलर है, ये जो सफारी डाइकोर आती थी उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता था, और जो सफारी स्ट्रोम आती थी वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता था, और काफ़ी लोग वेट कर रहे थे सफारी का ब्लैक एडिशन आने का। और पर्सनली मैं अगर बताऊं आपको तो ये गाड़ी इस कलर के अंदर देखने में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। आपको एक्सटीरियर और इंटीरियर सारा इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में कवर करेंगे। मेरा नाम है विनय कंबोज और आपका स्वागत है दोस्तों कार क्वेस्ट में। स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबा दे हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। साथ ही दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो करना ना भूले। इंस्टाग्राम के लिए सर्च कीजिए कार क्वेस्ट 1 और फेसबुक के लिए सर्च कीजिए कार क्वेस्ट। तो स्टार्ट कर लेते हैं कार के वेरिएंट से। जो डार्क एडिशन आपको मिलेगा सफारी के दो वेरिएंट के अंदर आपको मिलेगा, XT प्लस और XZ प्लस, इनके मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों वेरिएंट्स के साथ मिलेगा। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये टॉप वेरिएंट है XZ A प्लस, मतलब ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है, और टॉप वेरिएंट में आपको 6 और 7 सीटिंग का ऑप्शन मिलता है। ये जो है अभी 7 सीटिंग कैपेसिटी के साथ है। तो स्टार्ट करते हैं कार के फ्रंट से। जब गाड़ी को फ्रंट से आप देखते हैं जो लुक्स हैं देखने में वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं, और जब इस ग्रिल को आप देखेंगे इसको जैसे ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के अंदर रखा है, तो ये जो लुक्स हैं गाड़ी के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। और ये जो स्ट्रिप जो है ये पहले आपको क्रोम के अंदर मिलती थी, लेकिन आप इसको भी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में कर दिया है। बिल्कुल सेंटर में टाटा लोगो आपको मिल जाएगा, और जब इस तरफ आप देखते हैं तो ऊपर की तरफ ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा ड्यूल फंक्शन LED DRLs, मतलब इसके अंदर आपको इंडिकेटर भी मिलेगा और साथ में LEDs भी आपको यहीं पे मिलेंगे। और जब उससे थोड़ा नीचे की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी एक हेडलैम्प यूनिट, ये आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएगा। और टॉप वेरिएंट जैसे ये है तो ये आपको जिनोन HID मिल रहा है, मतलब इसकी वाइट कलर की लाइट है, और हाई बीम के लिए रेगुलर हलोजन बल्ब यहाँ पे दिया गया है। और इस स्ट्रिप को भी यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश कर दिया गया है जो रेगुलर सफारी के अंदर आपको क्रोम के अंदर मिलती है। और जब थोड़ा नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे फॉग लैंप आपको मिल जाएगा, और जो फॉग लैंप है ये भी रेगुलर हलोजन आपको मिलने वाला है, और ये कॉर्नर असिस्ट के साथ है, मतलब जैसे ही आप राइट टर्न करते हैं तो राइट फॉग लैंप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा एक्स्ट्रा असिस्टेंस के लिए, और लेफ्ट टर्न करते हैं तो लेफ्ट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और इस फ्रंट बम्पर को जब आप देखते हैं तो कम्प्लीट इसको ब्लैकआउट कर दिया है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये आपको यहाँ पे जो फिनिश है ये रफ ब्लैक फिनिश के साथ यहाँ पे मिलती है, और ये आपको यहाँ पे ग्रिल मिल जाएगी। बेसिकली आपको ग्रिल के लिए यहाँ पे एयर सर्कुलेशन के लिए काफ़ी स्पेस मिलता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जिससे एयर सर्कुलेशन जो है वो काफ़ी अच्छे से होने वाला है, और जो इंजन की एफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। और जब इस इंजन हुड को आप देखते हैं, पर्सनली ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसका ये जो डिज़ाइन है, ये जो कर्व्स आपको मिलती हैं ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। वाइपर्स भी जो आपको मिलते हैं वो रेन सेंसिंग वाइपर्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये था फ्रंट लुक, अब चलते हैं कार के साइड में। तो जैसे आप जानते हैं कि जो टाटा सफारी है एक SUV सेगमेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग इस कार की लेंथ भी रखी गई है 4661 mm। बात कर लेते हैं गाड़ी के टायर साइज़ की। जब टायर साइज़ आप यहाँ पे देखते हैं तो ये आपको 18 inches अलॉय व्हील मिल जाएगा, ब्लैक स्टोन फिनिश के साथ आपको ये मिलेगा, देखने में ये काफ़ी अच्छा लगता है। जो साथ ही टायर सेक्शन भी आपको मिल रहा है 235/60 टायर सेक्शन मिल जाएगा। ऑल अराउंड आपको ये स्कर्टिंग्स यहाँ पे मिल जाएगी, और फ्रंट फेंडर पे अब आपको यहाँ पे डार्क का बैज दे दिया गया है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जब ORVMs आप देखते हैं तो ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिल रहे हैं, और यहाँ पे LED ब्लिंकर्स मिल जाएगा, और ये जो मिरर्स है इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल और फोल्डेबल रहने वाले हैं। अभी जो गाड़ी है इसके ऊपर आपको थोड़ा पानी दिखाई दे रहा होगा अभी, क्योंकि सुबह सुबह हम वीडियो बना रहे हैं तो इस वजह से गाड़ी थोड़ी गंदी है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे रात को थोड़ी बारिश हुई थी इस वजह से थोड़ा पानी यहाँ पे है। और जब हैंडल्स भी आप देखते हैं तो इसको भी कम्प्लीट ब्लैक कर दिया गया है। टॉप वेरियंट के अंदर आपको एक्सेस बटन को ड्राइवर साइड भी यहाँ पर मिल जाएगा, और अब जो ये पार्ट है इसका, ये जो रूफ रेल्स आपको मिलती है, और ये कम्प्लीट ये जो डिज़ाइन है, ये जब थोड़ा आप गाड़ी को दूर से देखते हैं देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये कम्प्लीट इसके साथ मैच हो रहा है, और ये देखने में जो साइड प्रोफाइल्स को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है। यहाँ पे ये सफारी लिखा हुआ है, ये आपको ब्लैक फिनिश के साथ यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये कम्प्लीट ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ है, और ये जो पार्ट है ये थोड़ा मैट ब्लैक फिनिश रखा गया है। और जो विंडोज़ का ग्लासेस का साइज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखा गया है, जिसकी वजह से अंदर जो स्पेस है वो आपको काफ़ी अच्छा फील होने वाला है। आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे टाटा सफारी के सभी वेरिएंट्स के अक्रॉस, और जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको यहाँ पे मिलती है 50 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाएगा, और DEF जो आपको मिलता है 15 लीटर्स उसकी यहाँ पे कैपेसिटी है। तो ये थे साइड, अब चलते हैं कार की रियर में। तो जब टाटा सफारी को रियर से आप देखते हैं, जो रियर लुक्स हैं
वो ब्लैक कलर के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल टॉप से स्टार्ट कर लेते हैं। टॉप पे आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ, देन इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैंप, रियर शील्ड पे वाइपर, वॉशर, डिफोगर, ये सब ऑप्शन यहाँ पे दे दिए गए हैं। देन जब इस पार्ट को आप देखते हैं तो ये भी कंप्लीट ब्लैक फिनिश के साथ है, जो कंप्लीट यहाँ पे टेल लाइट्स के साथ अटैच होता है। और जब टेल लाइट्स आप देखते हैं तो इनका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। ये फ्लेक्सिबल LEDs आपको यहाँ पे मिलती है, इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, और यहाँ पे आपको मिल जाएगी बैक लाइट। तो देखने में जो है गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे टाटा का लोगो आपको मिल जाएगा, और नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पे सफारी आपको रिटर्न में मिलेगा। और जो इसको रखा गया है क्रोम के साथ यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि ब्लैक इसको जैसे हैरियर के अंदर डार्क एडिशन में इसको ब्लैक रखते थे तो वहाँ पे ये इतना ज़्यादा विजिबल नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा विजिबल है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जब रियर बम्पर को आप देखते हैं तो रियर बम्पर भी कंप्लीट इसका ब्लैक फिनिश के साथ रखा गया है। दो आपको अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, और ये डमी एग्जॉस्ट टिप्स आपको मिलते हैं दोनों तरफ। यहाँ पे दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे रिवर्स पार्किंग के लिए, और यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाएगा जो रिवर्स पार्किंग में असिस्ट करेगा। और इसकी अगेन जो पोजीशनिंग रखी गई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखी गई है। अब एक बार ओपन कर लेते हैं। जैसे ये 7 सीटर है मैंने आपको बताया, तो आपको लगेज जो स्पेस है यहाँ पे काफ़ी छोटा सा मिलने वाला है। आप छोटा लगेज यहाँ पे रखना चाहें तो सूटकेस रख सकते हैं, लेकिन अगर आप कम बंदे ट्रैवल कर रहे हैं तो इन सीट को आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये कम्प्लीट आपको स्पेस मिल जाएगा। इस तरफ आपको यहाँ पे जो रियर एयर वेंट्स मिलते हैं इनका एडजस्टर नोब यहाँ पे मिलेगा, और बोटल होल्डर यहाँ पे दिया गया है। उस तरफ जब आप देखते हैं तो दो USB पोर्ट और साथ में एक आपको यहाँ पे बोटल होल्डर मिल जाएगा, और यहाँ पे एक JBL का सबवूफर भी दिया गया है JBL की ब्रांडिंग के साथ में। और जब इसको आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी ये कम्प्लीट टूल किट, यहाँ पे आपको मिल जाएगी जो DEF मैं आपको बता रहा था, DEF के लिए अलग से यहाँ पे आपको ये स्पेस मिलेगा। तो यहाँ पर डीजल एग्जॉस्ट फ्लूड डलता है, और नाइट यूजर्स के लिए बूट लैंप भी यहाँ पे दे दिया गया है। तो ये था रियर और रियर स्पेस टाटा सफारी डार्क एडिशन का। अब चलते हैं गाड़ी की रियर सीट पर और चेक कर लेते हैं रियर सिटिंग कम्फर्ट। तो जैसे ही रियर डोर आप ओपन करते हैं, जैसे ये डार्क एडिशन है, जो डोर ट्रिम्स है वो भी बिल्कुल आपको डार्क यहाँ पे देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको ये ट्राई एरो पैटर्न दिया गया है, और इनके अंदर आपको डीप ब्लू कलर दिया गया है जो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आपको मूड लाइट मिल जाएगी जो रात के टाइम ज़्यादा विजिबल रहेगी। गन मेटल फिनिश के साथ डोर हैंडल्स मिलेंगे, और यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है। अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि JBL स्पीकर्स मिलते हैं, तो यहाँ पे JBL का बैज और यहाँ पे ट्विटर मिल जाएगा। और इधर डोर ट्रिम के अंदर आपको स्पेशल मोबाइल के लिए स्पेस, मोबाइल आप यहाँ पे रख सकते हैं, बोतल के लिए स्पेस, यहाँ पे स्पीकर, और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे ये पडल लाइट मिल जाएगी। बेसिकली ये अगर जैसे आप डोर ओपन करते हैं तो विजिबल रहेगी, और नीचे की तरफ इसको वाइट कलर की रखा गया ताकि रात के टाइम आपकी ये हेल्प करे। अब मैं एक बार आपको सीट्स भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो सीट्स मिलने वाली है आपको वो लेदर फील सीट्स यहाँ पे मिलेंगी। अगेन आपको ये परफोरेटेड सीट्स मिलती हैं, और ट्राई एरो पैटर्न के अंदर यहाँ पे डीप ब्लू कलर दिया गया है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जो स्टिचेस भी यहाँ पे दी गई है ये भी ब्लू कलर के साथ यहाँ पे रखी गई है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अंदर चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ बूडमो के बारे में, जो इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन स्पेयर पार्ट एक्सपर्ट्स है। अगर आप चाहते हैं अपनी कार के लिए कोई भी स्पेयर पार्ट ऑर्डर करना तो बूडमो की साइट आप विजिट कर सकते हैं। उनके जो लिंक्स है आपको वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, और इनकी ऐप भी है iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए। तो आपको जस्ट क्या करना है, आपको बूडमो ऐप इंस्टॉल करनी है। उसके बाद जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। उसके बाद आप सर्च कर सकते हैं बाइक कार, जैसे मैंने बाइक कार क्लिक करके उसके बाद फोर्ड सेलेक्ट किया, उसके बाद इको स्पोर्ट सेलेक्ट किया, और कोई भी मैंने एक जैसे 2020 मॉडल है और डीजल मेरी कार है तो मैंने डीजल सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद मैंने सर्च किया है तो ये आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाएगा। इनके अंदर से कुछ चूज़ करना चाहते हैं आप चूज़ कर सकते हैं, वरना आप फिल्टर पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप ओरिजिन पे क्लिक कीजिए, ओरिजिन के बाद आप OEM और आफ्टर मार्केट आपको ऑप्शन मिलेगा। OEM पे क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स पे। उसके बाद जैसे मैंने एक जस्ट एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, एक्चुएटर हमें यहाँ पे परचेज़ करना है, तो जैसे ही आप इसको करते हैं ये आपको प्राइस दिखा रहा है, और साथ में आपको दिखा रहा है 10 डे अश्योर्ड रिटर्न भी आपको दिखा रहा है। इन केस आप रिटर्न करना चाहते हैं तो 10 दिन के अंदर आप रिटर्न भी कर सकते हैं। तो जस्ट आपको क्या करना है, ऐड टू कार्ट, तो ये जो प्रोडक्ट है आपकी कार्ट के अंदर डायरेक्ट ऐड हो गया है, और आप जस्ट इसको ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए, और आपके घर पे ही आपकी जो गाड़ी का जो आपने पार्ट ऑर्डर किया है वो आपके घर पे ही आ जाएगा। तो आइए आप चलते हैं गाड़ी के अंदर। जो फ्रंट सीट्स है वो मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दी है। उसके बाद जो स्पेस है गाड़ी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको मिलने वाला है। इन सीट्स को आप स्लाइड कर सकते हैं,
जहाँ भी आपको ये कंफर्टेबल लगे। अभी जैसे मैंने इसको स्लाइड किया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 7-सीटर वर्जन है, तो आपको टॉप वेरिएंट के अंदर 6 सीटिंग का ऑप्शन भी मिलता है। तो वहाँ पे इस तरह की 2 सीट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, मतलब कैप्टन सीट्स, और वहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिलता है जो फर्स्ट इन सेगमेंट है। मतलब किसी और गाड़ी के अंदर आपको जो सेकंड रो है यहाँ पे वेंटिलेटेड का ऑप्शन नहीं मिलता है। जो रिक्लाइन एंगल है इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है। थाई स्पोर्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है, लेग रूम काफ़ी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि गाड़ी का जो व्हील बेस है वो 2741mm का व्हील बेस रखा गया है। अगेन ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, जैसे अभी मेरे पैर यहाँ पे हैं तो इसकी जो फ्लोर की जो पोजिशनिंग की गई है वो थोड़ा अप साइड की गई है, जिसकी वजह से इधर की तरफ आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जो कंफर्टेबल यहाँ पे फील होने वाला है। एंड देन इस सेंटर हम की हाइट थोड़ी ज़्यादा रखी गई है, वैसे 3 बंदे आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन सेंटर पैसेंजर के लिए थोड़ा सा अनकन्वीनियंट इसकी वजह से होने वाला है। और यहाँ पे आपको 2 USB पोर्ट्स मिल जाएंगे 2.4 एम्पियर के। अब इनको थोड़ा सा बाहर की तरफ किया गया है, पहले थोड़ा अंदर की तरफ थे तो यूज़ करने में थोड़ा सा आपको मुश्किल होती थी, लेकिन अब इनको बाहर की तरफ कर दिया गया है। यहाँ पे अगेन आपको ये स्पेस दे दिया गया है, मोबाइल रखना चाहें तो आप यहाँ पे मोबाइल रख सकते हैं। और एक आपको मिलता है बोस मोड, तो यहाँ से आप इस सीट को अपने अकॉर्डिंग स्लाइड कर सकते हैं, आप पीछे करना चाहें या आगे करना चाहें, जहाँ भी आपको लगता है आप इसको स्लाइड कर सकते हैं। और अब सफारी के अंदर जो आपको मोबिलिटी किट मिलती है वो आपको बेसिकली यहाँ पर मिलेगी, आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। और मोबिलिटी किट मतलब एक आपको ये इन्फ्लेटर मिल जाएगा और साथ में ये फ्लूड मिल जाएगी, तो इसको भी आप यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब टाटा मोटर्स हर कार के अंदर आपको ये किट दे रही है, और इसकी जो क्वालिटी है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखी गई है। जो AC वेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे वो यहाँ पे पिलर्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो आपको यहाँ पे दे दिया गया है। और एक और काफ़ी अच्छा जो लग रहा है, जैसे आप इन लाइट्स को देखते हैं तो इनके सराउंडिंग्स, ये जो फ्रेम है इसको भी ब्लैक कर दिया गया है, हैंडल्स भी ब्लैक है, तो देखने में ये जो ग्रेस दे रहा है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और इनको भी LED यहाँ पे कर दिया गया है। तो ये था रियर सेकंड रो का सिटिंग कंफर्ट। रियर सीट पे मैं अभी आपको जाके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो वीडियो किया हुआ है उसके अंदर हमने दिखाया हुआ है कि रियर सीटिंग में किस तरह का कंफर्ट आपको मिलता है। मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है 5'11", तो मेरे लिए लॉन्ग ट्रैवल्स पे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगा, लेकिन अगर शॉर्ट डिस्टेंस मेरे को ट्रैवल करना है तो मेरे लिए ठीक है। लेकिन जिनकी हाइट कम है तो उनके लिए जो रियर सीट है वो कंफर्टेबल होने वाली है। अब ड्राइवर सीट पर चलने से पहले मैं आपको कार की की दिखा देता हूँ कि किस तरह की आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो इस तरह की 2 की यहाँ पर दी गई हैं, इधर की तरफ आपको ये मिल जाएगा टाटा लोगो, और इस तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको 4 कंट्रोल्स मिलेंगे, लॉक, अनलॉक, बूट अनलॉक, और साथ में फॉलो मी लाइट्स के लिए आपको एक कंट्रोल दे दिया गया है। तो ड्राइवर डोर पे भी आपको एक्सेस बटन मिलेगा, आप यहीं से प्रेस करके लॉक अनलॉक इसको कर सकते हैं। और जैसे ही आप ओपन करते हैं तो ये जो डोर ट्रिम है ये भी आपको सेम ब्लैक फिनिश के साथ यहाँ पे दी गई है, ये कंप्लीट प्लास्टिक मटेरियल है, ये पार्ट आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच दिया गया है, लेदर फील ही आपको मिलेगा। पावर विंडोज़ के कंट्रोल, यहाँ पे एम्बिएंट लाइट अगेन आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको बोतल होल्डर, और यहाँ पे भी एक एम्बिएंट लाइट दी गई है जो रात के टाइम अंदर का एम्बियंस काफ़ी अच्छा बना देती है। यहाँ से आपको मिल जाएगा कंट्रोल्स, मिरर्स को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ये जो सीट्स हैं, जैसे टॉप वेरिएंट मैंने आपको बताया, तो ये 6-way एडजस्टेबल, आप इलेक्ट्रिक यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही ये वेंटिलेटेड सीट्स भी अब आपको यहाँ पे मिल रही है, तो जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो ये वेंटिलेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रंट जो दोनों सीट्स हैं ये आपको वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पे मिल जाएंगी, एंड आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। साथ में इसमें लंबर स्पोर्ट भी मिलता है जो 2-way है, और मैनुअल लंबर स्पोर्ट आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। स्टेयरिंग भी जो आपको मिलता है ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक अवेलेबल है, ये सफारी के सभी वेरिएंट्स के अंदर आपको मिलेगा। इधर की तरफ इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको दे दिया गया है, और जब स्टेयरिंग पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा क्रूज कंट्रोल, और ये आपको TFT के कंट्रोल्स यहाँ पे मिलेंगे। इस तरफ आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, लेदर रैप्ड आपको स्टेयरिंग व्हील मिलने वाला है जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ग्रिपिंग भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब बात करते हैं सामने की तरफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो जैसे ही इग्निशन आप ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको ये यहाँ पे दिखाई देगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलेगा, ये इधर की तरफ डिजिटल है, वो आपको एनालॉग यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये जैसे अलर्ट शो कर रहा है कि पार्किंग ब्रेक अप्लाई है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिलेगा यहाँ पे, आप इसको यहाँ से स्विच कर सकते हैं कि कितनी इंस्टेंट आपको ये माइलेज दे रही है, ट्रिप A ट्रिप B आप देख सकते हैं। इधर की तरफ फ्यूल गेज, अभी जैसे फ्यूल होगा तो ये लेवल जो है ये आपको इधर भी विजिबल होगा, और इधर की तरफ आपको ये RPM मीटर यहाँ पे शो कर रहा है, और इधर की तरफ आपको ये दिखा रहा है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूड का लेवल, और उधर की तरफ इंजन टेम्परेचर गेज। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के सेंट्रल कंसोल की, तो सबसे पहले रियर कैमरा की बात कर लेते हैं। तो इस तरह का आपको ये यहाँ पे कैमरा की क्वालिटी मिलेगी, नॉर्मल कैमरा की क्वालिटी है, इसको थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता है।
और जो आपको ये डिस्प्ले यहाँ पे मिलता है 8.5 इंचेस का, ये आपको टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, हरमन का म्यूजिक सिस्टम आपको मिलेगा, साथ में JBL स्पीकर्स, टोटल 4 स्पीकर, 4 ट्विटर और 1 सबवूफर, मतलब 9 स्पीकर सिस्टम आपको मिलेगा। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये वायरलेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। साथ ही आपको एयर प्योरीफायर भी यहाँ पे मिलेगा, जैसे अभी ये दिखा रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स 500, ये यहाँ पे दिखा रहा है, तो मतलब जो पोल्यूशन है वो लेवल पार कर गया है सारे ना। और वैसे ये ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे भी शो करता रहेगा, जैसे AQI लिखा हुआ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 यहाँ पे दिखा रहा है। और ये कंप्लीट जो है ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ है, इवन जो ये नोब्स हैं इनका जो ये पार्ट रखा गया है इसको भी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दी गई है। ये म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये आपको ड्राइव मोड्स मिल जाएंगे, आप यहाँ पे सिटी, स्पोर्ट्स और इकोनॉमी मोड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फोग लैंप्स के कंट्रोल, फ्रंट एंड रियर फोग लैंप, और ये आपको मिल जाएगी ऑटोमेटिक AC की यूनिट। जब आप यहाँ से कुछ भी चेंज करेंगे तो वो सामने की तरफ ऊपर आपको यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम पे दिखाई देगा, जैसे अभी AC ऑफ है और फैन स्पीड भी 0 है तो ये यहाँ पे लिखा रहा है। एंड देन जब थोड़ा नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है एक USB पोर्ट और एक ऑक्स के लिए पोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है, मोबाइल रखना चाहें तो मोबाइल रख सकते हैं, क्योंकि डार्क एडिशन के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। ये आपको नोब यहाँ पे मिल जाएगी ESP फंक्शनैलिटी के लिए, आप यहाँ से नॉर्मल, रफ और वेट मोड मिल जाएगा, इधर ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए, और ये हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए आपको मिल जाएगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो 6-speed टॉर्क कन्वर्टर आपको यहाँ पे मिलता है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फीचर यहाँ पे दी गई है, और इस कंप्लीट पार्ट को ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, और ये सराउंडिंग्स जो है इनको गन मेटल फिनिश के साथ रखा गया है। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, और ये काम रेस्ट मिलेगा जो फिक्स डेस्क को आप एडजस्ट नहीं कर सकते। और अंदर की तरफ जब आप देखते हैं तो एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट और साथ में 2 USB पोर्ट्स भी आपको मिलेंगे। और ये जो आपको मिलता है ये कूल ग्लो बॉक्स यहाँ पे दे दिया गया है, तो मतलब छोटा कैन वगैरह आप इसके अंदर कैरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सामने की तरफ डैशबोर्ड की, तो जो डैशबोर्ड आपको मिलने वाला है ये जो पार्ट है ये आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, रेस्ट आपको ये सारा प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ किया गया है। और जब इस पार्ट को आप देखते हैं तो ये टेक्सचर्ड रखा गया है, ग्रे फिनिश के साथ ये है, और देखने में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, जिस तरह का आपको हैरियर के अंदर देखने को मिलता है। और इस स्ट्रिप को यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है, और ये आपको ग्लो बॉक्स मिल जाएगा, स्पेस काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे आपको ये अलग से टैबलेट होल्डर, लाइट मिल जाएगी आपको इसके अंदर, तो स्टोरेज ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे रखी गई है। और जब इंटीरियर्स आप इसके देखते हैं, इवन जब आप ये पिलर्स भी देखेंगे तो ये जो पिलर्स हैं ये भी ब्लैक हैं, और जो इसका रूफ़ है ये भी ब्लैक रखा गया है। यहाँ पे वैनिटी मिरर सब आपको जो मिलता है यहाँ पे इल्यूमिनेशन के साथ में मिल जाएगा, और इनको भी बिल्कुल ब्लैक रखा गया है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। सिर्फ को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर आपको मिलेगा, और ये जो कंट्रोल्स हैं इनको भी ब्लैक कर दिया गया है, तो ये देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे आपको 3 अलग अलग कंट्रोल्स मिलेंगे, ये बेसिकली एक कर्टन के लिए है, और एक आपको यहाँ पे मिलता है सनरूफ के लिए, तो आपको यहाँ पे पैनोरमिक सनरूफ भी यहाँ पे मिलती है टाटा सफारी के अंदर, जो इसकी ओपनिंग है वो काफ़ी अच्छी है। सेकंड रो में बैठने के बाद जो आपको एक व्यू आने वाला है, जो मज़ा आने वाला है, वो काफ़ी अलग होने वाला है इस पैनोरमिक सनरूफ के साथ। और जो IRVM भी आपको मिलता है, ये ऑटो डिमिंग IRVM यहाँ पे दे दिया गया है, तो ओवरऑल जो अब इंटीरियर्स हैं इस सफारी डार्क एडिशन के, ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये था इंटीरियर, अब बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में, तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ मेट्रो मोटर्स करनाल हरियाणा के शोरूम में। अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने लिए कोई भी टाटा की कार परचेज करने की, तो सामने स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर कॉल करके किसी भी टाटा की कार के बारे में आप डिटेल्स और बेस्ट डील ले सकते हैं। अब बात करते हैं टाटा सफारी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले आ जाता है इसका प्लेटफॉर्म, इस गाड़ी को बनाया गया है ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म पे, तो जो बेसिकली ड्राइव है लैंड रोवर D8 आर्किटेक्चर से। और दो इस गाड़ी का अभी कोई क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो जो प्लेटफॉर्म वहाँ पे आता है वो 5-star रेटिंग के साथ आता है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको मिल जाएंगी जो सफारी में स्टैंडर्ड है सभी वेरिएंट्स के अक्रॉस, ड्यूल एयर बैग, टॉप के अंदर आपको 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं, ESP फंक्शनैलिटीज आपको मिल जाएंगी, ABS विद EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, रोल ओवर मिटिगेशन, ये सारे सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाएंगे टाटा सफारी के अंदर। अब बात करते हैं इंजन की, तो जो सफारी अवेलेबल है सिंगल आपको डीजल इंजन के साथ अवेलेबल रहेगी, 2.0 लीटर्स का क्रायोटेक इंजन मिलता है जो पावर जनरेट करता है 170 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 350 न्यूटन मीटर्स का। ये आपको मैनुअल और
सिक्स स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ मिल जाएगी। माइलेज की बात कर लेते हैं, जो माइलेज यहाँ पे क्लेम करती है कंपनी, अगर आप ऑटोमेटिक कंसीडर करते हैं 14.63 की एमपीएल की, और अगर आप मैनुअल कंसीडर करते हैं 16.35 की एमपीएल की, ये माइलेज कंपनी क्लेम करती है। और जो वारंटी आपको मिलती है 2 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। आप इसको फर्दर एक्सटेंड करा सकते हैं अप टू 5 ईयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक। अब बात करते हैं कार के प्राइस की, तो जो सभी वेरिएंट्स के प्राइस है सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप XT प्लस कंसीडर करते हैं डार्क एडिशन के साथ, तो उसका जो प्राइस रहेगा 19,05,000, और अगर आप कंसीडर करते हैं ये टॉप वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ तो 21,11,000। इन दोनों का आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलता है, तो उसके लिए 1,30,000 आपको एक्स्ट्रा एक शोरूम के अंदर पे करना पड़ेगा। और जैसे ये टॉप वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको 6 सीटिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो अगर आप 6 सीटर कंसीडर करते हैं तो उसके लिए आपको 10,000 एक्स शोरूम में एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये जो प्राइजेज हैं दोस्तों, ये सभी एक शोरूम प्राइजेज हैं, रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो टाटा सफारी डार्क एडिशन पे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।